हेलो फ्रेंड्स, मदर्स किचन में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और सही अच्छे होंगे। आज मैं पनीर, प्याज और आलू के सैंडविच बनाने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी होते हैं, नाश्ते में ये खाए जा सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी खाए जा सकते हैं। अब चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आलू लिए हैं, इनको उबाल के तोड़ लिया है, इनको भूनना है। ये मैंने पनीर लिया है, इसको ग्रेट करेंगे। प्याज काट के रख लिया है और ये धनिया है, इसको भी काट के रख लिया है। और ये हरी मिर्च है, इसको भी काट के रख लिया है। ये मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें अब तेल डालूंगी। और तेल डाल के थोड़ा सा जीरा और उसके बाद थोड़े और मसाले डालकर इसको भूनूंगी। आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं, और भी कोई तेल ले सकते हैं। अब इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ा भून जाएगा। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी आलू डाल दूंगी। अब इसमें थोड़े से मसाले, जैसे मिर्च है, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, डालूंगी। अब इसको भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी डालूंगी। ये देखिए, अब इसमें ये पनीर डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे, हरा धनिया, प्याज, सभी कुछ डाल देंगे, जिससे कि ये प्याज का, कच्चे प्याज का टेस्ट अच्छा आता है। ये धनिया डाल दिया। इसमें थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये सब चीजें डालने के बाद थोड़ा नमक कम हो गया होगा, इसलिए मैंने नमक डाल रही है। थोड़ा गरम मसाला भी डाल देती। अब इसको मिला देंगे, सारी स्टफिंग जो है मिला के थोड़ी सी भून के रेडी कर लेंगे। ब्रेड ले ली है, ये इसके अंदर स्टफिंग भर के, ये स्टफिंग मैंने नीचे ये रख ली है, इसके अंदर ये पनीर और आलू की स्टफिंग भर के सैंडविच बना लेंगे। ये देखिए, स्टफिंग अच्छी तरह से भरे तभी अच्छे लगेंगे। ये लीजिए, अब ये देखिए, अब इनको मैं सैंडविच मेकर में लगाकर इनको सेक लूँगी। सैंडविच मेकर में ब्रेड पे रिफाइंड लगाकर रख दिया है। आप घी भी लगा सकते हैं या कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ऑन करके इसको बंद कर देंगे।
ताकि ये सिक जाए अच्छी तरह। ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं पनीर आलू प्याज के सैंडविच। ये देखिए पनीर प्याज के सैंडविच बन के तैयार हैं, कितने सुंदर हैं लग रहे हैं। इसके इसको चटनी के और सॉस के साथ खाइए और खिलाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।